दोस्तों, मैं हूं बिजेंद्र कुमार और स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग पार्ट 15। दोस्तों, इसके पहले आपको 14 पार्ट कराए जा चुके हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है होमोजीनियस अर्थेन डैम सेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, उसमें हमसे केवल बोला गया है कि होमोजीनियस अर्थन डैम का हमें सेक्शन बनाना है, यानी कि फ्रंट एलिवेशन सेक्शन बनाना है, यानी सेक्शनल एलिवेशन बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों हमने अज्यूम कर लिया है डाटा। दोस्तों, आपको अगर डाटा दिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है तो आप इस डाटा को जस्ट एग्ज़ाम में पुटअप कर दीजिएगा और इसी पर आप बना दीजिएगा, ठीक है, ड्राॅइंग को। तो हमारा डाटा, अज्यूम डाटा जो है, पहला है टॉप विड्थ ऑफ डैम। डैम की जो टॉप विड्थ है वो 5 मीटर से हम 7 मीटर तक ले सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 7 मीटर का हमने विड्थ ले लेंगे, ठीक है। दूसरा है टोटल हाइट 20 मीटर। ओके दोस्तों, हाइट की जगह पे आपको आरएल भी दे सकता है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, टॉप आरएल इनकी जो टॉप विड्थ का आरएल होगा और बेड लेवल का आरएल होगा, उन दोनों को आपको डिफरेंस कर लेना है, जितनी हाइट आएगी वो हाइट होगी डैम की, क्लियर है। अब इसमें कहा गया है 8 मीटर टू बर्म, यानी कि ऊपर से 8 मीटर की गहराई में, या फिर आप कह सकते हैं 8 मीटर की ऊँचाई में हमारा बर्म रहेगा, ठीक है। किसका बर्म, डैम का। तीसरा दिया गया है 600 mm थिक स्टोन पिचिंग, ठीक है, यानी कि अप स्ट्रीम में जो पिचिंग की जाएगी स्टोन की वो 600 mm की जाएगी, ठीक है। जस्ट उसके बाद हमारा जो चौथा है 400 mm थिकनेस का ग्रेवल सैंड भर दिया जाएगा। तो इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमारा पांचवा है अप स्ट्रीम स्लोप, जो हमारा दिया गया है 3:1 का। दोस्तों, ये अप स्ट्रीम जो स्लोप होता है वो फिक्स रहता है 3:1 का, तो इतना क्लियर रखिए। छठवां है डाउन स्ट्रीम स्लोप 2:1। दोस्तों, ये वेरिएबल होता है, ठीक है, हम कहीं कहीं 2.1:1 का ले लेते हैं और कहीं कहीं 2:1 का ले लेते हैं। तो दोस्तों, आपकी जो बुक है, ACN की बुक है, आपके पीछे दिया गया है, यानी इस लेसन के पीछे में दिया गया है कितना हमें स्लोप लेना है, अपवर्ड स्लोप और डाउनवर्ड स्लोप, यानी कि अप स्ट्रीम स्लोप या फिर डाउन स्ट्रीम स्लोप का कितना हमें स्लोप लेना है उसमें गिवन है, क्लियर है। और लास्ट हमारा बर्म की जो चौड़ाई है वो 3 मीटर है। तो हमने इतना अज्यूम कर लिया और इसी के हेल्प से हम अपनी डैम का कंस्ट्रक्शन करेंगे। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन का मतलब है हम ड्राइंग बनाएंगे, क्लियर है। तो हम इसके लिए हम स्केल ले लेते हैं। दोस्तों, आपको स्केल जो लेनी है वो 400 से, यानी कि 1:400, यानी 1:400 से नीचे नहीं लेनी है। अगर उसके आप ऊपर लेंगे तभी आपका जो ड्राइंग है वो बन पाएगी, नहीं तो नहीं बन पाएगी, ठीक है। आपको इसी तरह से एग्ज़ाम में बनाना है। तो यहाँ पे हम स्केल ले लेंगे, आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा, 1:, ये हमारी 1:400 की स्केल हो गई, क्लियर है। आप 500 भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। तो चलिए दोस्तों, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा जो टॉप विड्थ है डैम का वो 5 to 7 मीटर है, हम 7 मीटर लेके चल रहे हैं। तो 7 मीटर को जब स्केल पर चेंज करेंगे तो देख लेते हैं कितना होगा, 7, यानी कि 700 cm डिवाइडेड बाई 400, क्लियर है। तो 1.75 आ रहा है, तो 1.75 को लगभग हम 1.8 cm मान लेंगे, तो 1.8 cm खींच लेंगे स्केल पे। तो यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे होंगे आप 1.8, क्लियर है, यहाँ पे हमने इस तरह से खींच लिया। दोस्तों, ये हमारी टॉप विड्थ हो गई डैम की, क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी टोटल हाइट दी गई है, टोटल हाइट जो दी गई है वो 20 मीटर दी गई है। 20 मीटर को स्केल पे चेंज करें तो 2000 mm हो जाएगा, सॉरी सेंटीमीटर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 400, तो ये 5 cm स्केल पर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 5 cm नीचे आ जाएंगे, क्लियर है। यहाँ पे हम 500 cm नीचे आ गए, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम आ गए
यहाँ पे पॉइंट कर लेंगे, और पॉइंट करने के बाद यहीं से हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्शन लाइन खींच लेंगे, ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ा देंगे और ठीक यहाँ से आगे बढ़ा देंगे इस तरह से। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्लोप ले लेंगे। दोस्तों स्लोप क्या करेंगे, हम अप स्ट्रीम के लिए कितना लेते हैं, हम स्लोप अप स्ट्रीम के लिए 1:3:1 का लेते हैं, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है 3:1 में, यानी कि 3 हॉरिजॉन्टल एंड 1 वर्टिकल। एक हम रेक्टेंगल बना लेंगे, जैसा कि आपने नहर वाली, यानी कि ये हमारा हो गया 3, ये हो गया 1, और ठीक यहीं पे हम जस्ट बना ले रहे हैं 2 हॉरिजॉन्टल डाउन स्ट्रीम के लिए 2 हॉरिजॉन्टल एंड 1 वर्टिकल। तो ये हमारा 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये हमारा स्लोप हो गया है, क्लियर है। अब इसी स्लोप पे हम अपना कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम डाउन स्ट्रीम के लिए बना लेते हैं, तो यहाँ पे हम इसके डायगनल पे रख के स्लोप ले लेंगे, ठीक है। आपको 1 वर्टिकल और 3 हॉरिजॉन्टल ऐसा कैलकुलेशन नहीं करना है, कैलकुलेशन करेंगे तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्लियर है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने दिया है आपको कि जो हमारा 8 मीटर बर्म की हाइट है, यानी बर्म की हाइट है 8 मीटर, 8 मीटर को इस स्केल पर चेंज करें तो 800 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 400, तो 2 सेंटीमीटर आ गया। तो 2 सेंटीमीटर यहाँ से हम पॉइंट कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये कट कर रहा है, तो यहीं से हमारा क्या बनेगा, बर्म बनेगा, ठीक है, बर्म बनेगा। तो बर्म की जो चौड़ाई है, विड्थ जो है, वो 3 मीटर है, तो 3 मीटर को स्केल पर चेंज कर लें तो 300 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 400, तो 0.75 आ रहा है, तो लगभग 8 mm ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, इस तरह से हम खींच लेंगे। और दोस्तों आपके पास फ्री हैंड स्केल होनी चाहिए, इसको हम मिला लेंगे, क्योंकि बार बार MD आप खोलेंगे तो एरर आ जाएगी, तो इस तरह से हम इसको मिला लेंगे यहाँ पे, क्लियर है। अब यहाँ से हम फिर से अपना स्लोप लेंगे और खींच लेंगे, यहाँ पे स्लोप पे रखेंगे हम इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे जस्ट मिला लेंगे। ये हमारा हो गया GL, यहाँ पे हमारा ये GL है, ठीक है, यहीं पे हम मिला लेंगे अपना, क्लियर है इतना। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ से अब हम बनाएंगे अपना जो हमारा होता है फुली सप्लाई लेवल, ठीक है, फुली सप्लाई लेवल, या फिर आप कह सकते हैं फ्री बोर्ड की जो डेप्थ होगी वो कितना होगा, तो वो आपको याद कर लेना है। उसका जो मेज़रमेंट होता है, यानी कि डेप्थ होती है फ्री बोर्ड की, वो 3 मीटर होती है, ठीक है, 3 मीटर आप ले सकते हैं जनरली। तो 3 मीटर को हम स्केल पर चेंज करें तो 300 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 400 सेंटीमीटर, तो 0.75 सेंटीमीटर आ रहा है, तो लगभग 8 mm, तो यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट कर लेंगे, और इसके बाद यहाँ पे जस्ट इस तरह से प्रोजेक्शन खींच लेंगे। प्रोजेक्शन हम बाद में इरेज कर लेंगे, ठीक है, प्रोजेक्शन आपको इरेज कर लेना है, क्या करना है, इरेज कर लेना है, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना डाउन स्ट्रीम स्लोप का स्लोप ले लेंगे यहाँ से इस तरह से, ठीक है, यहाँ से स्लोप लिए और इसको जस्ट यहाँ पे खींच लेंगे, यहाँ पे रखेंगे और सीधा मिला लेंगे, ओके, यहाँ पे हम मिला लिए, इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने जो हमारा बेड लेवल है इसको हम मिला लेते हैं, क्लियर है, इसको हम यहाँ से मिला लेंगे, ठीक, तो जस्ट इसको आगे की तरफ बढ़ा लेंगे और इसको भी हम बढ़ा लेंगे आगे की तरफ, ठीक है। ये हमारा GL पर बनाया जा रहा है, यानी ग्राउंड लेवल पर बनाया जा रहा है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं कि हमारा जो पिचिंग किया जा रहा है, ठीक है, स्टोन पिचिंग है
600 mm थिक का स्टोन पिचिंग किया जा रहा है। कहाँ से किया जाएगा वो हम डिसाइड करेंगे। तो ये हमारा आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा जो वाटर सप्लाई लेवल यानी फुली सप्लाई लेवल है, और यहीं से हम अपना करेंगे स्टोन पिचिंग। तो स्टोन पिचिंग की जो मेज़रमेंट है वो 600 mm है। तो स्टोन की है तो 600 mm यानी 60 cm डिवाइडेड बाई 400 तो 0.15 आ रहा है, तो लगभग 2 mm आ रहा है। तो 2 mm हम यहाँ पे खींच लेंगे, क्लियर है। अपनी MD को फिर से लूज़ करेंगे और यहाँ पे 2 mm, यहाँ पे लगभग 2 mm यहाँ पे आ रहा है। पहले इसको हम सेट कर ले रहे हैं MD को, यहाँ पे 2 mm पॉइंट कर लिए, यहाँ पे 2 mm, और इसको जस्ट मिला देंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मिला लिए। और जस्ट इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से मिला लेंगे। ये हमारी स्टोन पिचिंग हो गई, ठीक है। इसमें हम स्टोन बाद में बना लेंगे हैचिंग करते हुए, ठीक है। और यहाँ पे अब इसके बाद हम सैंड की फिलिंग करेंगे, ठीक है। जो हमारा सैंड फिलिंग है यानी 400 mm थिक का ग्रेवल सैंड है। ग्रेवल यानी कि छोटी छोटी बजरी होती हैं, वो प्रोवाइड की जाते हैं, ठीक है। ये क्यों प्रोवाइड की जाते हैं, तो दोस्तों जो हमारा अप स्ट्रीम है, ये हमारा अप स्ट्रीम है, तो इसका जो पानी का वेग होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसके कारण जो घर्षण के कारण हमारी जो मिट्टी अगर रहेगी यानी हमारा पूरा सैंड भरा हुआ है, तो इसमें क्या होगा कि कटाव होने लगेगा, तो डैम हमारा जो है जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इसी वजह से जितना हमारा पानी होता है यानी कि हमारा जो ये फुली सप्लाई लेवल होता है उसी में हम पिचिंग करते हैं, क्लियर है। अब इसके जस्ट बाद ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, ये तो फ्री बोर्ड हो जाएगा, और यहाँ पे जो पानी आ जाएगा तो उसी को हम कहते हैं हाई फ्लड लेवल, ठीक है। जब पानी ऊपर से जाने लगता है डैम के तो हमारा हाई फ्लड लेवल होता है, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम 200 mm को स्केल पर चेंज करेंगे, 200 mm को, तो लगभग 1 mm आ जाएगा, ठीक है। तो 1 mm यहाँ पे हम खींच लेंगे इस तरह से, ठीक है, खींच लिए और इसको जस्ट मिला लेंगे। दोस्तों बहुत ही कम मेज़रमेंट का है तो एरर थोड़ा बहुत हो सकता है। यहाँ पे इस तरह से हमने इसको मिला लिया। दोस्तों अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारी इस कॉर्नर पे स्टोन की फिलिंग होगी या फिर पिचिंग होगी, ठीक है, स्टोन यानी रॉक चट्टानों की फिलिंग होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से जब पानी स्पीड में आएगा तो यहाँ पे भी घर्षण के कारण जो हमारी मिट्टी का कटाव हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम इससे बचने के लिए हम स्टोन की फिलिंग कर देते हैं। तो स्टोन की फिलिंग जो होगी वो 10 मीटर यानी कि हॉरिजॉन्टल 10 मीटर होगी। तो 10 मीटर को स्केल पर चेंज करेंगे, 10 × 100 / 400, तो 2.5 cm स्केल पर आ रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट करके, यहाँ पे पॉइंट कर लेंगे और जस्ट इसके पैरेलल रख लेंगे, यानी कि ये हमारा पैरेलल हो गया, जस्ट इसके खींच लेंगे और यहाँ पे हमारी स्टोन की पिचिंग हो जाएगी, क्लियर है, या पिचिंग हो जाएगी या फिर रॉक फिलिंग हो जाएगी। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो होता है हमारा अप स्ट्रीम होता है, अप स्ट्रीम आप जानते हैं कि इसका वेग ज़्यादा होता है यानी पानी आके टकराता है, तो इस साइड का पोर्शन हमें ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। मजबूत करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे रॉक की फिलिंग बना लेते हैं, जस्ट लाइक अ फाउंडेशन होता है, तो इसको हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो 5 mm लेफ्ट चले जाते हैं और 1 cm राइट, यानी इस पॉइंट से 1 cm राइट यहाँ पे आ गए और 0.5 mm नीचे ही आ जाते हैं। यहाँ पे इस तरह से खींच लेते हैं इस तरह, क्लियर है, यहाँ पे हम खींच लेते हैं। अब जस्ट इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्टोन प्रोवाइड कर देते हैं और इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है, यानी कि यहाँ हमारा पानी है, पानी का कुछ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा। तो ग्रेडियंट कितना होगा, तो जस्ट इसके हम स्लोप पे रखेंगे और यहाँ पे चले आएंगे, ठीक है, स्लोप हमें दिया नहीं है तो हम जस्ट ऐसे ही बना लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से इस तरह से हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बना लेंगे, ओके, इतना समझ में आ गया होगा आपको।
फिर से हम अपना MD सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों लगभग यहाँ पे सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई हैं, यहाँ पे हम अपना फुल्ली सप्लाई लेवल प्रोवाइड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम पानी का सिंबल बना लेते हैं इस तरह से कुछ, और जस्ट इसके ऊपर हमारा होता है फ्री बोर्ड, ठीक है। फ्री बोर्ड जितना होगा उतना ही हमारा पानी, यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में, यानी हाई फ्लड लेवल के कंडीशन में उतना ही पानी आ सकता है। अगर उससे ज़्यादा आया तो हमारा जो डैम होगा उसके ऊपर से पानी जाने लगेगा, ठीक है, क्लियर है। तो लगभग हमने सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड कर दी हैं। तो दोस्तों आइए हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं और हैचिंग कर लेते हैं, इसके बाद फिर से हम इसको एक बार फिर से रिवाइज करके समझ लेंगे, क्लियर है। तो दोस्तों इस तरह से हमने नेमिंग और हैचिंग भी प्रोवाइड कर दी है। तो आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऊपर से। तो हमारी जो टॉप विड्थ है वो 7 मीटर है, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे ले लिया था। दोस्तों यहाँ से हमने क्या किया, 2:1 का हमने स्लोप खींचा, जो कि यहाँ से हमने इसकी हेल्प से हमने खींच लिया 2:1 का स्लोप, ठीक है। इतना हमने खींचने के बाद फिर क्या किया, यहाँ पे हमारी जो बर्म की हाइट है यानी गहराई 8 मीटर है, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन की थी, इसका हमने प्रोजेक्शन खींच रखा था, यानी कितने मीटर का, ये हमने 20 मीटर का लाइन खींच रखा था, उसमें से हमने 8 मीटर की लाइन हमने बर्म के लिए काट ली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बर्म बना। तो बर्म की जो हमारी विड्थ है वो 3 मीटर है, तो यहाँ पे हमने 3 मीटर खींच लिया, फिर इसके बाद हमने स्लोप खींच लिया, क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा GL पे काट रहा था, यानी ग्राउंड लेवल पे, तो यहाँ पे काट रहा था, इसको हमने फिर खींच लिया। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे 3:1 यानी कि 3:1 का हमने स्लोप लिया, यानी 3 हॉरिजॉन्टल एंड 1 वर्टिकल। तो आपको कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इस तरह से रेक्टेंगल बना के इसके बिकर्ण पर रख के आप अपने MD को स्लोप खींच सकते हैं, कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप इसके बाद इसको मिटा देंगे, ठीक है, इन दोनों को मिटा देंगे आप, क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने खींच लिया और इसको यहाँ पे ग्राउंड लेवल को यहाँ पे काट रहा है। अब इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा जो फ्री बोर्ड है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो फ्री बोर्ड है वो 3 मीटर का है, जैसा कि हमने यहाँ पे इसमें मेंशन नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा फ्री बोर्ड जो होगा वो 3 मीटर का होगा, कितने मीटर का, 3 मीटर का फ्री बोर्ड। तो इसके बाद यहाँ पे हमने खींच लिया इस तरह से फ्री बोर्ड। अब इसके बाद यहाँ पे फ्री बोर्ड 3 मीटर पर आएगा, तो यहाँ पे हमारा हाई फ्लड लेवल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि उसके बाद जब बारिश होगी तो हमारा जो पानी होगा डैम का वो डैम के ऊपर से चला जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ये हमारा फुल्ली सप्लाई लेवल है, इसके ऊपर जस्ट हाई फ्लड लेवल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा अब स्ट्रीम है, यहाँ पर हमारा पानी नदी का आके यहाँ पर रुकता है, और यहाँ पर डाउन स्ट्रीम यानी कि यहाँ से पानी यानी गेट द्वारा खोल दिया जाता है। दोस्तों हमारा ये जो टॉप विड्थ है इसी पर हमारा रोड बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप रोड भी बना सकते हैं, लेकिन आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमने स्टोन फिलिंग कर दी है, ठीक है, 5 mm लेफ्ट एंड 1 सेंटीमीटर राइट, इसको करके यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगुलर टाइप बना लिया है, और यहाँ पे हमने स्टोन की फिलिंग कर दी है। दोस्तों यहाँ पे जो स्टोन पिचिंग है, स्टोन पिचिंग 60 mm थिकनेस की होगी, और ये हमारा जो ये 200 mm की ग्रेवल सैंड की फिलिंग होगी, ठीक है, ताकि हमारा जो रीसन है वो इस डैम में ना आ सके और हमारा डैम ज़्यादा दिन तक चलेगा।
और ये हमारी स्टोन पिचिंग या फीलिंग है, इसको भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। तो इससे इसको करने से क्या होगा कि हमारा जो डैम है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है और जस्ट इस स्लोप के पैरेलल है। क्लियर दोस्तों, हमारे डैम की टोटल हाइट 20 मीटर हो गई और आपको यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे ये हमारा 10 मीटर का होगा। क्लियर है, ये डायमेंशन 10 मीटर की होगी। तो दोस्तों इस तरह से हमने होमोजीनियस अर्थन डैम के सेक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे डैम के टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।